Hello everyone and welcome back to my channel. And in this video I'm going to share with you a beautiful subject of LLB or BLLB, that is insurance law. And in insurance law I will discuss with you about fatal accident. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फेटल एक्सीडेंट का कुछ हैंड रिटन एंड इम्पोर्टेंट नोट्स. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर थोड़ा भी आपको इस वीडियो से बेनिफिट होता है तो. सो हम लोग जानेंगे कि फेटल एक्सीडेंट होता क्या है. सो फेटल एक्सीडेंट इट्स एक्सीडेंट दैट इज़ कॉज समवन टू डाई. यह एक टाइप का एक्सीडेंट होता है कि जिसमें किसी पर्सन का डेथ हो जाता है. और ये एक्ट जो है, इस एक्सीडेंट का एक एक्ट है 1855, जो कि ये प्रोवाइड कराता है कि अगर एक पर्सन का डेथ कॉज हो जाता है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव और डिपेंडेंट पर्सनस है उनको कैसे, मतलब कंपनसेशन प्रोवाइड कराना, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सारे इस एक्ट के अंदर दिया हुआ है. सो ये जो फेटल एक्सीडेंट है इंश्योरेंस लॉ का एक बहुत ही छोटा सा एक्ट है, जिसमें कि 2 or 3 सेक्शंस जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं. और इस सेक्शंस में, जिसमें कुछ सेक्शंस में इसका ऑब्जेक्ट है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसके कुछ केस लॉज हैं वो दिए हुए हैं, डेफिनेशंस भी इसी सेक्शन के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है. सो फेटल एक्सीडेंट, जैसा कि हमने जाना कि एक टाइप्स का एक्सीडेंट होता है जिसमें कि किसी पर्सन का डेथ हो जाता है, और उसके डेथ होने के बाद जो उस पर्सन के जो डिपेंडेंट हैं और उनके जो, मतलब होता है ना, जो उनके ऊपर पूरे डिपेंडेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनके बेनिफिट के लिए क्या क्या, मतलब प्रोसीजर है, वो एक पास किया गया है. सो इस एक्ट से क्वेश्चंस ज़्यादातर नहीं, जस्ट 2 or 3 मार्क्स के लिए आपके एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, ज़्यादातर नहीं आते हैं. बट इनकेस कभी कभी आ जाए तो अगर इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज रहेगी तो आप लिख सकेंगे. सो आई विल प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैंने, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लर्न करके बनाया हुआ है, आप लोग ये देख सकते हैं. फैटल एक्सीडेंट, मैंने बोला ना, फैटल एक्सीडेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनसेशन प्रोवाइड करना टू द फैमिली को. और एक चीज़ याद रखिए, फैमिली में कौन से मेंबर्स आते हैं, जे कि अगर एक पर्सन का डेथ कॉज हो जाता है, वो इंजियर है तब तक तो वो कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता. बट इनकेस अगर उस पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसके फैमिली में जो डिपेंडेंट है उस पर्सन का, तो वो जो है वो सूट फाइल कर सकते हैं फॉर द कंपनसेशन. सो उस फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा, जैसे कि अगर इनके से एक पर्सन का डेथ हो जाता है और वो मैरिड पर्सन है, तो वो उसकी वाइफ आ जाएगी, और उस पर्सन के जो भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा वो आ जाएंगे, फिर उनके जो बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, लायबल हो जाएंगे अंडर दिस एक्ट फॉर दी कंपनसेशन. बट एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक केस आया था इसी एक्ट के लिए कि इस केस में भी इस पर्सन को कंपनसेशन दिया जाना चाहिए, बट नहीं दिया गया, वो डिनाई हो गया. बिकॉज उस केस में क्या हुआ था कि उस पर्सन के ब्रदर ने क्लेम किया था, सूट फाइल किया था कि फॉर दी हमें कंपनसेशन चाहिए. वो केस था आपका बुद्धा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बस उस केस को इतना मेंटेनेबल, मतलब नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें बोला गया कि अगर आप इस एक्ट के डीपली जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया है कि टू दी फैमिली में किसको प्रोवाइड कराना है. हस्बैंड का अगर वाइफ है तो उनको, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको, उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं उनको, लेकिन उनके भाई को नहीं. तो वहाँ पे उस केस में क्या हुआ था, बुद्धा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उस डिजीज और जो मरे हुए जो आदमी था उसका भाई ने क्लेम किया बोल के उस केस को डिनाई कर दिया गया था. सो ये है ये केस. और ये जो एक्ट है वो अप्लाई होता है ओनली इन इंडिया में, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को. सो ये है इसका अच्छा सा एक नोट्स. ये 2 or 3 मार्क्स के लिए अगर आपको कवर करना है तो इसके लिए जो नोट्स है वो एनफ है. अगर आप इसको डीपली देखें तो बहुत अच्छा नोट्स है. ये ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट मैंने एक प्रिंसिपल के साथ लिखा हुआ है, जो कि ये रहा. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर इसमें मैंने थोड़ा भी आपका कुछ हेल्प किया है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.
थैंक यू फॉर वॉचिंग।